भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नगर पंचायत टाहलीवाल में पुलिस विभाग द्वारा कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को चौकी इंचार्ज जगदीश ठाकुर की अगुवाई में पुलिस जवानों ने टाहलीवाल बाजार व आसपास के सभी गांवों में लाउडस्पीकर के माध्यम से कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करने बारे बताया। उन्होंने सभी से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी व जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने का आह्वान किया। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया, आप खुद भी मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने नो मास्क नो सर्विस की पालना करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अगर कोई दुकानदार व ग्राहक सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उधर थाना प्रभारी हरोली मनोज कुमार ने बताया, पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के बाद सभी को जागरूक किया जा रहा है। आप समस्त बाजार वासियों को सूचित किया जाता है कि इस माह की 7 तारीख सुबह 6 बजे से आगामी 10 दिनों यानी कि 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। हिमाचल प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा इस कर्फ्यू के अंतर्गत कुछ एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज व सुविधाएं दी गई है, जिनके बारे में आप सभी लोगों को विदित कराया जा रहा है। आप ध्यान रखें कि दूध व फल सब्जी की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहे और अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके अतिरिक्त शनिवार और रविवार को केवल दूध व सब्जी की दुकानें ही खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानें यदि कोई खोलता हुआ पाया गया वो दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में अपनी स्वयं की भागीदारी देना सुनिश्चित करें, वो प्रशासन व पुलिस का सहयोग करें। अपनी दुकानों के बाहर व अंदर सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सर्कल लगवाएं व नो मास्क नो सर्विस की पालन करें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने आता है तो ना तो उसे किसी भी सामान को दिया जाए और दुकानदार स्वयं ही मास्क लगाकर रखे। इसके अतिरिक्त सभी जन सामान्य से आग्रह किया जाता है कि अनावश्यक तौर पर दुकान सड़क पर ना घूमें और यदि किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है तो घर से केवल एक ही नौजवान व्यक्ति को भेजे और वह व्यक्ति भी सामान लेकर तुरंत अपने घर जाए। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए संतोष गढ़ से सुलेंद्र सिंह।